हेलो। तो आज हम बात करेंगे एड्रोमेड 100 mg कैप्सूल के बारे में, जो कि इस कैप्सूल को फंगल इन्फेक्शन के प्रॉब्लम में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और कैसा साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एड्रोमेड 100 mg कैप्सूल जो कि लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 185 रुपए है, जो कि इस टीम में 10 कैप्सूल अवेलेबल है। दोस्तों ये कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहां देखते हैं एट्राकोनाजोल 100 mg। दोस्तों एट्रोमेड 100 mg कैप्सूल जो कि सबसे बढ़िया कैप्सूल है और काफी अच्छा डील दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर वन, दोस्तों इस कैप्सूल को फंगल इन्फेक्शन के प्रॉब्लम में प्रयोग कर सकते हैं। नंबर टू, बॉडी में कहीं भी दांत की समस्या हो। नंबर थ्री, खुजली हो तो खुजली में भी यूज कर सकते हैं। नंबर फोर, दाद हो, खाज हो, खुजली हो तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया गया है। नंबर फाइव, दिनाई की समस्या हो तो उसमें भी बहुत ही फायदेमंद है। नंबर सिक्स, बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो। नंबर सेवन, एलर्जी हो। नंबर एट, पुराने से पुराने खुजली हो, दाद हो तो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, कैसे करें। इस कैप्सूल को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के एज, वेट और कंडीशन को देखकर डोज देते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडल्ट को कैसे लेना है। फर्स्ट कंडीशन, 100 mg कैप्सूल दिन में एक बार लेना है। सेकंड कंडीशन, दिन में दो बार भी ले सकते हैं इस कैप्सूल को खाने खाने के बाद, मतलब 100 mg दो बार ले सकते हैं, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम में खाने खाने के बाद। जब एक टाइम से आराम नहीं मिलती है तो डॉक्टर दो बार चलवाते हैं, सुबह और शाम, तो आप इस तरह ले सकते हैं। और दोस्तों आपको कंटिन्यू इस्तेमाल करना है इस कैप्सूल को और आपको 2 से 3 दिन में फर्क दिख जाएगा। ये नहीं करना है कि 2-3 दिन खाए और आपको आराम मिल गया तो आप छोड़ दें, लेना बंद कर दें, ऐसा ना करें बिल्कुल भी। कंटिन्यू इस्तेमाल करना है जब तक डॉक्टर ना बोले और जब तक आप ठीक ना हो जाए, तब तक आपको रोकना नहीं है, इस कैप्सूल को खाना ही खाना है। जैसे कि इसका कोर्स होता है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6-6 महीने भी चलाते हैं इस कैप्सूल को, कंडीशन को देखकर चलाते हैं। ये नहीं कि हर किसी को 6 महीने तक ही लेना होता है, ऐसा भी नहीं होता है कि कंडीशन कैसा है, कैसा इन्फेक्शन है तो उसके हिसाब से चलवाते डॉक्टर। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये कैप्सूल आप यूज कर रहे थे, बातें ध्यान रखें। नंबर वन, बाय दफा आप अल्कोहल लेते हैं तो इसका यूज ना करें। नंबर टू, चाइल्ड भी यूज ना करें, जैसे कि कम एज के यूज ना करें। नंबर थ्री, यूज करने वाले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें इस कैप्सूल के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस कैप्सूल के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया। अगर बाय दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इसका यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक दोस्तों, ये थे आज का हमारी वीडियो एट्रोमेड 100 mg कैप्सूल के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया कैप्सूल है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।